वेल, अब हमें देखना है कि जो टाइम पीरियड है कि हमारे पास किस तरीके से है ना एक्साइटेशन जाती है किसके अंदर। अभी हम ये चैप्टर 3 को ही हम डिस्कस कर रहे हैं ना हार्ट के, सॉरी चैप्टर नंबर 2 ऑफ हार्ट के। अब क्या होता है कि हमारे पास ऐसे नोड से हमारे पास एक्साइटेशन निकलती है, ऐसे नोड से हमारे पास ए बी नोड तक एक्साइटेशन पहुँचती है दो रास्तों से, ठीक है। एक रास्ता होता है इंटर एट्रियल फाइबर और एक होता है हमारे पास इंटर नोडल फाइबर। एक होता है क्या, इंटर एट्रियल फाइबर और एक होता है हमारे पास नोडल फाइबर। नोडल फाइबर जो होते हैं वो हमारे पास तीन होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और है ना पोस्टीरियर। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास कनेक्ट कराते हैं ऐसे नोड को ए बी नोड के साथ, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होते हैं कि ये हमारे पास कंडक्ट करते हैं हमारे पास इम्पल्सिस को, ठीक है। ये हमारे पास थोड़े से फास्ट कंडक्ट करते हैं और ये हमारे पास थोड़े से फास्ट कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास हमारे पास गैप जंक्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनके पास जो होते हैं वो गैप जंक्शन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रियल मसल्स के अंदर। एट्रियल मसल्स के अंदर जो है ना हमारे पास इम्पल्स पहुँच रही होती हैं ऐसे नोड से, वो पहुँचती है इंटर एट्रियल फाइबर से। इंटर एट्रियल फाइबर्स वो फाइबर्स जो कि हमारे पास ऐसे नोड से इम्पल्स को लेकर आके एट्रियल मसल्स को सप्लाई कराए, वो फाइबर्स हमारे पास कहलाते हैं इंटर एट्रियल फाइबर्स। अब इंटर एट्रियल फाइबर्स जो होती हैं वो हमारे पास थोड़ा स्लो कंडक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटर नोडल फाइबर्स। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास इंटर एट्रियल फाइबर्स के अंदर गैप जंक्शन वगैरह थोड़े कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इम्पल्स जो होता है वो थोड़ा टाइम लेकर पहुँच रहा होता है एज़ कम्पेयर टू इंटर नोडल फाइबर्स जिसमें गैप जंक्शन ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास रैपिड है ना ट्रांसफर या इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो जाती है, ठीक है। अब फिर हमारे पास क्या होता है कि इंटर एट्रियल फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे पास है ना दो एट्रिया को, राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से भी कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये चीज़ याद रख लेना। और टाइम मैंने क्या बताया कि हमारे पास 0.03 सेकंड रिक्वायर होता है ऐसे नोड से लेके ए बी नोड तक पहुँचने के लिए। फिर ए बी नोड पर हमारे पास क्या होता है, डिले हो जाता है। वो डिले कितना आता है, 0.09 सेकंड का डिले आता है, वहाँ पर ये हमारे पास इम्पल्स रुक जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ए बी नोड से हमारे पास फिर ए वी बंडल फाइबर्स के थ्रू हमारे पास इम्पल्स पहुंच रही होती है वेंट्रिकल तक, और ये टाइम कितना होता है, ये हमारे पास होता है 0.03। तो टोटल 0.03, 0.03 और 0.09, ठीक है, टोटल ये हमारे पास राउंड अबाउट हो जाता है। अजान हो गई थी, सो आई स्टॉप्ड इट। कि अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइम में ये सारा इम्पल्स जो होती है वो ट्रांसमिट हो रही होती है। तो ऐसे नोड से ए वी नोड तक जो हमारे पास टाइम होता है वो होता है 0.03 सेकंड। उसके बाद हमारे पास जो होता है ना ए वी नोड्स पे हमारे पास एक डिले आता है, ए वी नोड पर हमारे पास इम्पल्स पे एक डिले आता है, वो होता है हमारे पास 0.09 सेकंड। ये डिले क्या करता है, ये डिले परमिट करता है कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसके बाद फिर हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ए वी नोड पर हमारे पास कितने का डिले आता है, 0.09 का। अब ये कितने होगा, 0.09 और 0.03 हमारे पास होगा राउंड अबाउट 0.12, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि ए वी नोड से लेके हमारे पास जो परकंजी फाइबर्स तक हमें ये इम्पल्स पहुंचानी है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है वो होता है 0.04 सेकंड। तो ऐसे हमारे पास कितने हो जाते हैं, 0.16 सेकंड। तो हमारे पास ऐसे नोड से लेके वेंट्रिकुलर मसल्स तक जो इम्पल्स पहुंचने का टाइम है वो होता है हमारे पास 0.16 सेकंड। और फिर 0.16 सेकंड के बाद हमारे पास जैसे वेंट्रिकुलर मसल्स को ये हमारे पास पहुंच जाती है इम्पल्स फ्रॉम परकंजी फाइबर्स, तो फिर हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और हमारे पास एक हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये 0.16 सेकंड का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ईसीजी पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि क्यों हमने इस टाइम को कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक तो हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर एक सेकंड में खुद देखूँ कि कौन से टॉपिक्स रह गए। इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास वन वे कंडक्शन होती है, तो याद रखना कि हमारे पास हमेशा है ना ऐसे नोड से ए बी नोड, ए बी नोड से फिर हमारे पास परकंजी फाइबर्स, और फिर हमारे पास है ना दोबारा फिर ऐसे नोड तक वो इम्पल्स जाती है। ऐसा नहीं होता कि है ना हमारे पास पहले ए बी नोड के अंदर आए और फिर ऐसे नोड पर जाए। तो हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास एक है ना वन वे फ्लो होती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो है वो है कि हमारे पास है ना एबनॉर्मल पेस मेकर, एक्टोपिक पेस मेकर, ठीक है। अच्छा, इसका मैं ये बता रहा था कि हमारे पास ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास ऐसे नोड से ही इम्पल्स शुरू होती है, हमारे पास ए वी नोड से इम्पल्स शुरू क्यों नहीं होती। वो इस वजह से नहीं होती है कि ऐसे नोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिदमिक होता है, ऐसे नोड के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी होता है, वो इतना ज़्यादा क्विक होता है कि
ए बी नोड को अपने पास है ना एक्शन पोटेंशियल बनाने का, खुद से एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, खुद से वो डिपोलराइज हो ही नहीं सकता। उसको जिस जितना टाइम उसको डिपोलराइज होने में लगता है, उतना टाइम में ऐसे नोड अपने इम्पल्स भेज देती है कि तुम मेरे वाले इम्पल्स से डिपोलराइज हो जाओ और आगे आगे जो है ये है ना ये इम्पल्स जो है वो फॉरवर्ड करवा दो। ठीक है, तो जो हमारे पास ए बी नोड कैपेबल हैं कि वो इम्पल्स जनरेट करा दें, खुद से हमारे पास डिपोलराइज हो जाएं, लेकिन वो डिपोलराइज हो नहीं पाते ड्यू टू रैपिड डिपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड और रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड। ठीक है, हाँ अगर हमारे पास एसए नोड ख़राब हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि फिर हमारे पास एक्टोपिक पेस मेकर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ये एक्टोपिक पेस मेकर्स क्या हैं कि हमारे पास एसए नोड के अलावा कोई और पार्ट कनेक्टिंग सिस्टम का वो हमारे पास कैपेबल हो जाए कि एक्शन पोटेंशियल खुद से जनरेट करवाने लगे, तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक। एक्टोपिक कहते हैं कि कोई दूसरी जगह, ठीक है, जैसे हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ा था एम्ब्रियो के अंदर कि वो हमारे पास कहाँ हो रही थी, वो हमारे पास एब्डोमेन के अंदर हो रही थी डिस्पाइट ऑफ प्रेगनेंसी अकरिंग इन यूट्रस। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको याद रखनी चाहिए कि मेडिकल वर्ड्स की मीनिंग क्या है। एक्टोपिक का मतलब एक दूसरी जगह पर। ठीक है, अब एक्टोपिक पेस मेकर क्या है, ये हमारे पास उस वक्त होता है कि जब हमारे पास ऐसे नोड ख़राब हो जाए, ऐसे नोड ख़राब हो जाए तो हमारे पास क्या होता है कि ए बी नोड के अंदर हमारे पास इम्पल्स जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब सपोज़ करो कि ऐसे नोड से ए बी नोड तक हमारे पास इम्पल्स आ तो रही है, आगे ट्रांसमिशन नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या होगा कि ए बी नोड के हमारे पास ना रुक जाएंगे और फिर हमारे पास परकंजी फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे पास एक्टोपिक हो जाएंगे, वो खुद से हमारे पास इम्पल्स बनाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जब ऐसा होता है ना कि हमारे पास ऐसे नोड से ए बी नोड तक तो आ गए ट्रांसमिशन, लेकिन ए बी नोड ख़राब हो गया, वहाँ से अब हमारे पास ट्रांसमिशन आगे नहीं जा रही, तो क्या होता है कि हार्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाता है क्योंकि ट्रांसमिशन नहीं मिल रही, तो हमारे पास क्या होता है कि हार्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, पाँच से जो आई गेस 5 से 10 सेकंड का टाइम होता है उसके लिए हमारे पास हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने से रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि परकंजी फाइबर बोलता है कि बाबा अंजा तो कोई आसरो पानी ना आए, असांके पानी एक्साइड करना पवंद, मेरी सिंधी इतनी अच्छी नहीं लेकिन मुझे शौक था बोलने का, तो बहरहाल दफ़े करो ये सारी चीज़ें। कि हमारे पास ये जो परकंजी फाइबर्स होते हैं वो है ना खुद से एक्साइट होना शुरू हो जाएंगे और फिर वो हमारे पास है ना पेस मेकर एक्टिविटी जनरेट कराना शुरू कर देंगे, और फिर क्या होगा कि ऐसे नोड से ए वी नोड तक आएंगे और उसके बाद ए वी नोड के बाद हमारे पास फिर थोड़ी कम है ना वो उसके साथ स्पीड के साथ परकंजी फाइबर्स है ना अपनी इम्पल्स जनरेट कराना शुरू कर देंगे। जैसे कि हमारे पास ऐसे नोड जनरेट कराता है 70 बीट्स पर मिनट, फिर ए वी नोड जनरेट करवाता है 40, फिर परकंजी फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे पास कितने करवाते हैं 20 से 30 बीट्स पर मिनट, तो हमारे पास जो वेंट्रिकल होगा उसकी स्ट्रेंथ जो है कंट्रैक्शन की वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाएगी, इफेक्टिवनेस ऑफ कहना कंट्रैक्शन वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और वो डिक्रीज़ क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास ऐसे नोड से डायरेक्ट परकंजी फाइबर्स तक हमारे पास इम्पल्स सही से नहीं आ रही थी, बीच में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था और वीकेंसी के बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम लग रहा था क्योंकि ए वी नोड जो था वो ख़राब था और परकंजी फाइबर्स को खुद से जनरेट कराना पड़ रहा था, तो इस वजह से हमारे पास इफेक्टिवनेस ऑफ वेंट्रिकल जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो टॉपिक रह गया है कि वो सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक, तो इसको मैं रिलेट करवाऊंगा जब मैं बताऊंगा कि है ना एक नॉर्मल हार्ट के मसल्स के अंदर कैसे हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का रोल होता है।